छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। कर रहे प्यारे मियाँ, देखकर चले ना। अरे देख रहे, मैं चल ले रहा, भाग रहा हूँ। आप किससे भाग रहे हैं? मोहल्ले वालों से बचकर। किसको छेड़ दिया? तुम्हें कैसे पता चला? क्या वाकई छेड़ दिया? हाँ भाई, लेकिन गलती से। ऐसे कैसे हो गई ये खूबसूरत गलती प्यारे मियाँ से? अरे भाई, एक हफ्ता पहले अपनी बेगम को नया बुरका लेकर दिया था, बिल्कुल उसी तरह का बुरका जब बार साहब की बेगम पहन के जा रही थी। अपने पीछे से कांधे पर हाथ रख के ये कह दिया कि भाई मौसम बहुत अच्छा है, कहीं घूमने चले। फिर क्या हुआ? अरे उन्होंने मुड़ के शोर मचा दिया, सब मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए और हम वहां से भाग लिए। तुम बताओ भला, मुझ जैसा खूबसूरत आदमी क्यों किसी को छेड़ेगा? बनता तो नहीं है, लेकिन अब क्या करेंगे? खुदा के वास्ते मुझे अपने घर में छुपा लो। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे छुपा लूं? वैसे तो मम्मी जी घर पे नहीं है, लेकिन अगर उनको पता चल गया ना तो कयामत आ जाएगी और वो लड्डू को फिसका देंगी। बेगम साहब घर पर नहीं है? नहीं। अरे ये तो और अच्छी बात है भाई, तानी बेगम के आने से पहले पहले मैं इस घर से चला जाऊंगा। लेकिन आपकी मदद क्यों करूं? वो इसलिए कि मुझे तुम्हारे डंडी मारने वाले सारे काम का पता है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हारा सारा भांडा फोड़ दूंगा, वो भी तानी बेगम के सामने। अरे नाराज क्यों होते हैं, चलिए ना, आपका अपना घर है। चले 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 चले, अरे अंदर चले ना, भांडा ना फोड़िएगा। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, हद हो गई। अरे खूबसूरत आदमी को देख के इस तरह को डरता है क्या? खूबसूरत? खूबसूरत नहीं, खौफसूरत। बोलो खौफसूरत। खैर खैर खैर, ये बताओ तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा घर? अरे सब पता है हमें कि किसका घर और किसकी क्या हैसियत है इस घर में। बात सुनो, वो हमारे घर का मसला है, उसको छोड़ो। ये बताओ तुम कर क्या रहा हो इस घर में? अरे ससुर जी, मैं बताता हूँ ना। अरे भाई कहा ना, जो भी हुआ गलती से हुआ, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अब हम इसको इस तरह कब तक छुपा के रखेंगे? तानी बेगम को क्या जवाब देंगे? इन्होंने कहा है कि मम्मी जी के आने से पहले ये चले जाएंगे। जी भाईजान। भाईजान? आपके यहाँ छोटों को भाईजान कहने का रिवाज है? मेरा मतलब है कि बेटा मैं चला जाऊंगा। बात सुनो, अंदर गेस्ट रूम में जाके इसको छुपाओ जाके। सुसर जी, मैं इसको सोफे के पीछे छुपा देता हूँ। नहीं, सोफे के पीछे छुप तो जाएगा ये, लेकिन यहाँ से पकड़ा जाएगा। लेके जाओ, जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, चलिए 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 चलिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, चलो 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 चलो। देखो प्यारे, तभी से बात करो, प्यारे नहीं, प्यारे मियाँ कहो, प्यारे मियाँ। मियाँ तो तुम अब किसी के भी नहीं रहोगे। और प्यारे तो तुम कभी थे ही नहीं भाई। क्या मतलब? मतलब ये कि इस मोहल्ले का हर फर्द तुम्हें ढूंढ रहा है, क्योंकि मामला बहुत बढ़ चुका है। भाई छेड़ा तो मैंने खातून को था, पर मोहल्ले का हर फर्द मुझे क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि हर फर्द की औरत ने तुम्हारे खिलाफ वारंट निकाल दिया है, वो भी नाकाबिले जमानत। अब क्या होगा? अल्लाह जाने तुम्हारी मौत कैसे होगी, लेकिन जब तक भी जिंदा हो इस कमरे से बाहर नहीं आना, समझे? समझे प्यारे। चलो भाई, चलो 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 चलो, तुम नहीं, तुम यहाँ बैठो। चलो चलो चलो, हम जाएंगे। चल भाई लड्डू आ जा। क्या जब्बार साहब की बेगम को छेड़ा? कैसा आदमी है ये? मतलब मोहल्ले की बात है ये? मिल जाइए प्यारे मियाँ, तुम देखना इसको मार मार के ना मैं अल्लाह को प्यारा कर दूंगी। जाहिर सी बात है भाई, मोहल्ले की बात है। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, खुदा हाफिज़। क्या हुआ नी? क्या हुआ क्या मतलब? मतलब दिन दिहाड़े मोहल्ले की औरतों को छेड़ा जा रहा है, कितने अफसोस की बात है। लेकिन पता चला वो शख्स था कौन? हाँ, वो कद्दू के मुंह वाला प्यारे मियाँ।
हनी, कोई गलतफहमी तो हो सकती है आपको। अच्छा गलतफहमी, वैसे तुम बड़ी वकालत कर रहे हो उनकी। मैं तो ऐसे कह रहा था कि वो शक्ल से ऐसे लगते नहीं है ना कि वैसे हरकत करेंगे। हाँ वैसे शक्ल से तो तुम भी पढ़े लिखे लगते हो। हैं? हाँ? क्या मतलब? कुछ नहीं, बस तुम होशियार रहना और जहाँ प्यारे मियाँ मिले ना तो उसको उसको पकड़ लेना। हाँ आप फिक्र ही ना करें, मैं पकड़ लूंगा। हाँ. क्या मतलब? अब मैं क्यों फिक्र करूंगी, मतलब फिक्र तो उसको करना चाहिए। अच्छा ठीक है ना, आप चाय पिए, गर्मा गर्म चाय चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। हाँ ठीक है। हाँ पी लो पी लो। अरे सुना है लड्डू, प्यारे मियाँ साहब को जिंदा पकड़ कर देने पर एसएसपी जब्बार साहब ने 10,000 का इनाम रखा है। 10,000? क्या बात है भाई, है क्या बात है? देखे क्या उन्हें? मैंने मैंने कहा देखा? मैंने तो देखी नहीं, कसम से मैंने देखी नहीं। चलो ठीक है, अगर नजर आए तो एक मिस कॉल मार देना, मिलकर पकड़ेंगे और आधा आधा कर लेंगे। हाँ बांट लेंगे आपस में, सब लोग हम लोग बांट लेंगे। यार मैं तो भूल ही गया, मैं तो सब्जी लेने निकला था, खाना पकाना है, सफाई करनी है, बहुत काम है। मैं चलता हूँ। अच्छा फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ऐसे लोगों की वजह से हम लेडीज गैर महफूज रहती हैं। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। फोन। जी मामा। नहीं मामा आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे मामा मुझे जैसे ही कुछ पता चलेगा ना मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। क्या? अब जी जी वो मोहल्ले की लेडीज है ना, उन लोगों ने अपनी ना यूनियन बना ली है। ओके मामा, खुदा हाफिज, टाटा बाय बाय। अरे मैं आपको फिर फोन करूंगी ना। ओके ओके, टाटा 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 टाटा। अब अच्छा आप लोग चाय पियेंगी या ठंडा? प्यारे मियां का फोन। क्या बना, कुछ बंदोबस्त हुआ मेरा बाहर जाने का? अबे बाहर जाना तो ऐसे कह रहा है जैसे दुबई जाना है इसको। भाई कोई बंदोबस्त नहीं हुआ, उल्टा हर घर में पर्चा कट गया तुम्हारे खिलाफ। इसका मतलब है कि सच्ची वाला पर्चा भी कट सकता है? यकीनन कट सकता है, क्योंकि आपकी घटिया हरकतें हर जगह आग लगा दी है और इस मोहल्ले की खवातीन खामोश नहीं बैठने वाली। मैंने बताया ना यार, ये जो भी हुआ गलती से हुआ, गलती से। खुदा ना कुछ करो, अब क्या होगा? जो भी हो बस आज की तारीख में हमारे घर से निकलो, शाबाश जल्दी करो। लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? अरे शहर छोड़ दो, मुल्क छोड़ दो, बल्कि कुछ अरसे के लिए ये दुनिया छोड़ दो। मैं तुम दोनों को 20,000 रुपए दूंगा, मुझे बचा लो। एक काम करें, मुझे बहुत भूख लगी है, एक बर्गर मंगवा ले चिप्स के साथ। साथ में कोल्ड ड्रिंक कौन सी लाऊं? चुप करके जो कुछ घर में बचा कुछ है खा लो, कहीं ऐसा ना तुम्हारे घर में हम बिरयानी खा रहे हो। मैं बता रहा हूँ ये ठीक नहीं हो रहा मेरे साथ, रिहाई के बाद एक एक को देख लूंगा। एक कमरे में बैठ बैठ के तो यार मियां तुम बोर ही हो गए, टीवी देखते हैं क्या खबरें हैं। क्या हुआ? क्या यहाँ तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे तो, कोई भी नहीं है। अरे पापा लड्डू मैंने खुद देखा है, वो अभी यहाँ बैठ के टीवी देख रहा था। कौन कौन? अरे वो प्यारे मियाँ यहाँ कहाँ, वो तो मफरूर है भाई। अरे मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, यही बैठा था यहाँ बैठ के टीवी देख रहा था वो ऐसे करके। हनी ये सिर्फ तुम्हारे जहन का वहम है और कुछ नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि देखो तुम्हें गुस्सा बहुत है तो तुम्हारे जहन में सिर्फ प्यारे मियाँ ही घूम रहा है। हाँ और ऐसा होता है ना जब आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं तो आपको चारों तरफ सिर्फ वही दिखाई देने लगता है, तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, सही कह रहा है, सही कह रहा है। अच्छा मगर मैं सच बोल रही हूँ, मैंने देखा है अपनी आंखों से पापा। हाँ हाँ तुम फिक्र नहीं करो, तुम अंदर जाओ आराम करो, मैं और ससुर जी मिलकर घर को चप्पा चप्पा कोना कोना सब तफसील से देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, मगर आप लोग ना अच्छे से चेक कर लीजिए घर पे, पापा मैं सही बोली, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। ठीक है देख लेंगे ना अच्छे से। मैंने देखा है, ठीक है मैं बता रही हूँ। ये बाहर
आया क्यों? अरे यार लड्डू, ये हमारे हलक में क्यों फंसता है यार? अब क्या फंस गया ससुर जी आपके हलक में? अरे यार ये प्यारे मियां। हाँ ये तो है, लेकिन ससुर जी ये वक्त कुछ सोचने का नहीं, कुछ करने का वक्त है। यार इतनी सोच समझ मेरी अच्छी होती तो मैं तुम्हारी मम्मी जी से फंसता। ये भी है, लेकिन आपने मेरे होते भी फिक्र की? इसी बात की तो फिक्र है। अरे ससुर जी आप आराम से बैठकर वहाँ पे जूस पिए, मैं आपके लिए जूस बनाता हूँ अपने हाथों से, बाकी सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दें। देखिए फिर क्या होता है, जाते जाते 20,000 तो दे ही जाएगा। यार बात सुनो, कुछ करना है तो जल्दी करो, अगर इसके बारे में मोहल्ले वालों को मालूम हो गया तो मार मार के हमारा जूस निकाल देंगे। बोलो, आज ही रात में प्यारे मियाँ को इस घर से बाहर निकाल दूंगा। कैसे? आप मुझ पे छोड़ दे, फिक्र ही ना करें। अबे अच्छा बात सुन, ये खाना पका के उस भूखे को खाना तो खिला जाके, अगर वो भूखा मर गया तो ये इल्जाम भी हमारे सर पे ही आएगा। सही कह रहे ससुर जी, मैं जल्दी जल्दी खाना बनाता हूँ, फिक्र ही ना करें। यार खाना बना। अरे भाई जल्दी खाना ले आओ, बहुत भूख लगी है। अरे गए यार। है? ये क्या है? नजर नहीं आ रहा खाना है। देखिए मैंने कहा था मुझे बर्गर चाहिए बर्गर। आपको नहीं लग रहा जरूर से ज्यादा फैल रहे हैं? 20,000 रुपए नहीं चाहिए, ये कैसी बात कर रहे हो मुझसे? मैं तो आपसे बात ही नहीं करना चाहता भाई, ये मैं नहीं खा सकता। खुदा को माने प्यारे मियाँ, इन हालात में ये भी मिल रहा है, बहुत है, खा ले चुप करके। ना जी ना, मैंने नहीं खाना। शराफत से खा ले, वरना। वरना क्या? मैंने कहा ना मुझसे कोई चलाकी मत करना, वरना सब तुम्हारे खांचों को ना बता दूंगा तानी बेगम को। आप तो बुरा ही मान गए प्यारे मियाँ, अभी ये खा ले बाद में बंदोबस्त कर दूंगा कुछ। ऐसी बात करो ना, ठीक है इतना ताउन कर सकता हूँ तुम्हारे साथ में। तुम्हारा तो कुछ इलाज करना ही पड़ेगा प्यारे मियाँ। क्या कहा? वो कुछ नहीं, कुछ नहीं खाए, करता हूँ कुछ बंदोबस्त। हैं? अबे ये क्या खबर है? क्या हुआ, लोड शेडिंग खत्म हो गई क्या? अबे नहीं यार, हमारे एरिया में ना एक मशकूक औरत घूम रही है रात में, लोगों का कहना है कि वो चुड़ैल है। चुड़ैल? हाँ जमील भाई ने भी देखी थी कल रात में। कैसे कैसे डरपोक लोग हैं। हाँ सही बात है, मिल गया तो मार मार के वहीं ओलिया इसका बिगाड़ देंगे। और क्या, बस आज रात तुम लोग नजर रखो, जहाँ मिले मार मार के भगा दो उसको। हाँ हाँ ठीक है। तो बस तय हो गया, आज रात करेंगे मिलकर चुड़ैल का शिकार। डन डन डन। अब कैसे जानवरों की तरह खर्राटे ले रहा है? खुदा के वास्ते यार, ये क्या कर रहे थे तुम? अबे एक तो तुम खुद इतने भयानक हो और फिर उसमें इतने भयानक खर्राटे ले रहा हो यार। झूठ मत बोलो, ये तुम मेरी खूबसूरती की वजह से मुझे इतने गौर से देख रहे थे। हाँ खूबसूरती की वजह से, इसी खूबसूरती की वजह से पूरा मोहल्ला तुम्हें बाहर ढूंढ रहा है। मैंने तुम्हें मना किया था कि बाहर नहीं निकलना, तो बाहर क्यों निकले? यार मैं बोर हो गया था एक जगह बैठा बैठा। ये बोर होना मरहूम होने से ज्यादा बेहतर है। यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो आपको जब्बार साहब की बेगम को छेड़ते हुए सोचना चाहिए था। खैर मैंने आपकी वापसी का सारा बंदोबस्त कर दिया है। कैसे? मैं जाऊंगा कैसे? पहले पैसे ऐसे ऐसे ले लेना यार, 20,000 रुपए मैं को भागा जा रहा हूँ, जाते हुए दे दूंगा, इतना बड़ा आदमी हूँ। अच्छा बड़ा आदमी, इधर आए। तुम क्यों हंस रहे हो? पैसे तुमने देने 20,000? किसको? ओए हमारे 20,000 पैसे हमारे यहाँ। किसको कहा था? किसने कहा था? इसकी वापसी का फैसला कैंसिल। नहीं नहीं मैंने कहा था दे दूंगा। एक तो पता नहीं मेरी हैंड फ्री कहाँ चली जाती है, यहीं पे रखी थी मैंने, कहाँ चली गई, कहाँ पे होगी? क्या हुआ नी? मेरी हैंड फ्री नहीं मिल रही। हैंड फ्री तो मैं किस लिए हूँ, मैं ढूंढ देता हूँ। क्या मतलब है लड्डू, मतलब इतना काम तो अब मैं कर ही सकती हूँ, हटो। हनी शाम हो गई है, ज्यादा घर में इधर उधर मत घुमा करो। क्यों? तुम्हें पता नहीं
वो जो चुड़ैल है ना हमारे मोहल्ले में आ गई है और वो सिर्फ खूबसूरत औरतों को उठा रही है। तुम्हें कैसे पता? ये देखो अखबार में लिखा है। ये तो सच है। हाँ और वो सिर्फ खूबसूरत औरतों को शिकार करती है। अब इसमें ये तो नहीं लिखा। हाँ जो खुद गायब हो गया वो कहाँ से खबर देगा। अच्छा चलो हटो। वहाँ वहाँ देखो। अच्छा मेरी हैंड प्रिंट ढूंढो फिर तुम। हाँ, हाँ। ये अंदर से किसकी आवाज आई? अच्छी मैं चीखा था मैं। अच्छा ठीक है अब मेरी हैंड प्रिंट ढूंढो सब मिलके। इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा सुसर जी। ये लो। ये क्या है? बुरखा पहनो इसे और निकलो यहां से। मैं पहनू? हाँ अब देख ऐसा लग रहा है जैसे कि मीरपुर खास से मेरी फुप्पा मिलने आई है। क्यों लग रहा हूं ना खूबसूरत? देखो भाई बात सुनो ये पालने वाली आदत बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या पाला मैंने? गलत फहमी। हद हो गई यार। अरे ससुर जी छोड़े ना और आप निकले यहाँ खामोशी से और पलट के मत देखिएगा। चल शाबाश। अजी सुने जाओ कुछ तो ऐसा जैसे मेरी घर वाली है। चलो निकलो वरना ये ना और रास्ते में तुम्हें कोई छेड़ दे। चलो 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 चलो। हेलो अरे तुम लोग होशियार रहना मैंने अभी भी देखा है वो जो चुड़ैल है ना अभी मेरे घर के पास से गुजरी है। तुम लोग तैयार रहना मैं भी डंडा लेके पहुंच रहा हूँ। मेरी बात सुनो। बस 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 मैं पहुंच रहा हूँ। ओके चले। तैयार हो जो यही है चाल से ही मशकूक लग रही है। हाँ मुझे भी मशकूक लग रही है। चलो चलो पीछे। यही है चुड़ैल। अरे 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 मैं चुड़ैल नहीं प्यारे मियां हूँ। अरे इसी की तलाश थी। मारो इसे मारो इसे मारो इसे। रॉन्ग नंबर भाई। अब भाई रॉन्ग नंबर। जो काम आपने किया वही काम मैंने किया। कैसा काम? अरे मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अरे मुझे तो बता दे आप। अब जो फोन आया ना तो अच्छी खबर और लाश के साथ आए तो बहुत अच्छा लगेगा। ये बता गाड़ी में कोई काम तो नहीं है? काम तो कोई नहीं है। एक नहीं दो पैक कर दे। बहुत महंगा वाला जो है ना तंबू वो लगवाना है। इस छुट्टियों में तेरे पास आऊंगा जरूर मिलने के लिए। मियां तो छोटे मियां बड़े मियां भी है नाशार सहमे सहमे रहते हैं करते रहते हैं फरियाद। घर का मां के घर का मां।